हिंदुस्तान में इन दिनों लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव चल रहा है, इसलिए सियासी नूरा कुश्ती चरम पर है। सत्ता पक्ष वापसी की कवायद में जुटा हुआ है तो विपक्ष उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। इन सब में जिस एक सूबे पर सबकी नजर है वो है उत्तर प्रदेश। वो इसलिए क्योंकि यहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और यहां पर जिसका सिक्का चलता है उसका पाया दिल्ली में मजबूत होता है। यही कारण है कि भाजपा हो या विपक्ष, एक एक सीट पर मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है और भाजपा की यह कोशिश है कि यहां से ज्यादा सीटें हासिल करे। इसीलिए हर सीट पर कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी में एक सीट बस्ती की है जहां पर भाजपा ने हरीश द्विवेदी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। वो 14 और 19 में इस सीट से चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं और तीसरी बार फिर भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। लेकिन कुछ रोज पहले तक ये सीट सहज नहीं मानी जा रही थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि अब की बार हरीश द्विवेदी के लिए बस्ती से चुनकर जा पाना थोड़ा मुश्किल होगा और उसकी दो तीन वजह रही। पहली तो यही कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा उस चुनाव में लोकसभा सीट के भीतर 5 विधानसभा सीटें आती हैं और उसमें से 4 भाजपा हार गई और इस हार ने पहली बार खतरे की घंटी बजा दी हरीश द्विवेदी के लिए और जो कसर बची हुई थी उसे पूरा कर दिया बसपा ने जब उसने दयाशंकर मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। हालांकि जब आपके ये सुनेंगे कि दयाशंकर मिश्रा को उम्मीदवार बनाने से आखिर में भाजपा के लिए खतरे की घंटी क्यों बजी या हरीश द्विवेदी के लिए संकट क्यों खड़ा हो गया, तो इसे जानने समझने के लिए थोड़ा बस्ती लोकसभा सीट का जो जातीय गुणा भाग है उसे भी देखना होगा। यहां पर अगर आप जातीय समीकरण देखें तो समाजवादी पार्टी फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर दो बिरादरियां जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में है। एक तरफ कुर्मी है जो तकरीबन 3 लाख के आसपास है और दूसरी तरफ ब्राह्मण है जो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर मुस्लिम आबादी है कोई 2,20,000 के आसपास। उसके बाद आप आइए तो यादव होंगे तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। तो इस तरह से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उनका पड़ला जो है वो भारी नजर आ रहा है और जब दयाशंकर मिश्र को बसपा ने अपना कैंडिडेट बनाया तो जो 2.5 लाख ब्राह्मण वोट है उसमें बंटवारे की पूरी कोशिश और आप कहें कि कवायद दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर हरीश द्विवेदी ने आप एक तरह से कहें कि सियासी दांव चला और उस दांव का हासिल ये रहा कि बसपा ने अपना कैंडिडेट ही बदल दिया। जब बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया तो जिस ब्राह्मण वोट में सेंधमारी की कोशिश चल रही थी वो सेंधमारी तो एक तरह से कहें कि दूर हो गई। फिर हरीश द्विवेदी ने एक और दांव चला और एक समय में आप ये कहें कि धुर विरोधी रहे राजकिशोर सिंह को अपने साथ मिला लिया। राजकिशोर सिंह आप ये कहें कि बस्ती के कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उसमें मंत्री भी और क्षत्रिय चेहरा है और तकरीबन 1.25 लाख के आसपास क्षत्रिय वोटर भी वहां पर है। तो इस तरह से हरीश द्विवेदी ने एक तरफ जो ब्राह्मण वोट में बंटवारे की कवायद चल रही थी उसको दूर किया और दूसरी तरफ जो वहां 1.25 लाख के आसपास क्षत्रिय वोट है उसे भी अपने साथ जोड़ लिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने खाते में 3.5 से 4 लाख आप ये कहें कि मतदाता को सुरक्षित कर लिया। लेकिन फिर भी इस सीट निकालने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि आप समाजवादी पार्टी का जो वोट हो रहा है उससे ज्यादा पाए, क्योंकि यहां सपा ने राम प्रसाद चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और वो अपनी बिरादरी के सम्मान नेता है और उनका अपना वोट ही यहां पर 3 लाख है। उसके बाद में आप यम और वाई समीकरण जोड़ लीजिए तो वह तकरीबन 4.25 लाख के आसपास बैठता है। यानी अभी भी अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी से पीछे हरीश द्विवेदी का जो अपना गुणा भाग है वो दिखाई देता है। लेकिन
आधी लड़ाई तो उन्होंने जीत ली, कम से कम एक जो टिकट कटा दयाशंकर मिश्रा का और दूसरा राजकिशोर सिंह को जोड़कर। अब जो आगे की कहानी है उसके लिए उनका आप ये कहें कि इस मझधार से पार निकलने में एक तो बड़ा जो उनको आप ये कहें कि चीज मिलेगी वो है राजभर वोटर, चूंकि बस्ती लोकसभा सीट में राजभर वोटर भी है और ओम प्रकाश राजभर के आने से जाहिर तौर पर हरीश द्विवेदी को वो वोट मिल जाएगा। जो कसर बची हुई है ये सीट निकालने के लिए, उस कसर में अगर कोई ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है तो वो है दलित वोटर। यहां तकरीबन 3 लाख दलित वोटर है और ये वो वोटर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का अगर लाभ कहीं पहुंचा है तो ये वही तबका है और भाजपा ये जो लाभार्थी तबका है इसके सहारे ही 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी बैतरणी पार हुई थी, अन्यथा 2022 का चुनाव भी उतना सहज नहीं था, खासतौर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक एक गठजोड़ बनाया था और उस गठजोड़ के सहारे उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से भाजपा को नाको चने चबा दिए थे और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो राजभर वोटरों की है जो ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव के साथ जाने की वजह से नजर आया कि कितना नुकसान वो भाजपा को पहुंचाए विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए भाजपा ने तमाम आप ये कहें कि जो पेच ढीले हो गए थे उसे टाइट किया गया और ये कोशिश हुई कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। उन्हीं सीटों में बस्ती भी है और बस्ती में एक तरह से आप कहें कि अभी ये कह सकते हैं कि बस्ती का जो सियासी समीकरण हरीश द्विवेदी ने साधा है तो उन्हें चाणक्य के तौर पर बस्ती की सियासत में देखा जा सकता है। और वैसे भी आप एक तरह से कहें तो जो एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश है खासतौर से पूरब से, उस तलाश को कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी भरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आला कमान उन पर भरोसा दिखा रहा है उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि वो पूर्वांचल में हरीश द्विवेदी को एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में निखारना चाह रहे हैं। अन्यथा अगर आप 14 और 19 की जीत देखें तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन हरीश द्विवेदी के लिए नहीं रहा जब वो यहां से सीट निकालते हैं, मगर उसके बाद में भी उन पर भरोसा जताना और उनके लिहाज से तमाम तरह के निर्णय होना बस्ती लोकसभा के भीतर, वो इस बात का संकेत है कि जो आला कमान है वो हरीश द्विवेदी को भावी राजनीति को देखते हुए खासतौर से पूर्वांचल की गढ़ रहा। यही वजह है कि जो यहां पर गुड़ा भाग बिगड़ रहा था उसको एक तरह से आगे बढ़कर ठीक किया गया। चूंकि आप देखिए राजकिशोर सिंह के साथ हरीश द्विवेदी, आप अमित शाह से मुलाकात उनकी होती है, ये बड़ी घटना है और ये बताता है कि हरीश द्विवेदी का कद भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से है। यही कारण माना जा रहा है कि जो दुश्वारियां थी उन दुश्वारियों को पार्टी ने भी आगे बढ़कर दूर किया ताकि हरीश द्विवेदी की ये सीट निकल सके। उसमें जो जो अभी एक कांटा नजर आता है वो ये कि राम प्रसाद चौधरी को लेकर एक बात होती है कि नहीं अब की बार इनको निकालना है, इनका आखिरी चुनाव होगा। ये जो चीज है इससे हरीश द्विवेदी कैसे पार पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन उनके लिए ज्यादा सहूलियत इस चीज को लेकर है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उस चेहरे पर आप ये कहें कि चुनाव निकाल पाना बड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो है 20% मत होता है जो उनके चेहरे पर वोट करता है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो सीट 25 दिन पहले तक कठिन मानी जा रही थी वहां हरीश द्विवेदी की राह अब सहज हो चली।